आज हम आपको बताएंगे कि एक वेबसाइट्स के लिए डोमेन नेम कैसे बुक कराया जाता है। हमने पहले बताया था कि एक्चुअली कि डोमेन नेम के द्वारा लोग बहुत रुपया कमा लेते हैं, कि वो पहले से किसी दूसरी कंपनी के डोमेन नेम जो कम मार्केट में आने वाली कंपनी उसका पहले से ऑलरेडी उस नाम से डोमेन नेम बुक करा के रिजर्व कर लेते हैं और उसको बहुत ऊँची प्राइस पर बेचते हैं। तो मान लीजिए कि आप भी ऐसी कोई डोमेन नेम बुक कराना चाहते हो या फिर आप एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो या बनवाना चाहते हो, सबसे पहले यू हैव टू बुक योर डोमेन नेम। तो डोमेन नेम सबसे पहली बात है कि आप कैसे पता लगाएं कि ये जो आप डोमेन नेम चाहते हो वो अवेलेबल है या नहीं है और उसको कैसे बुक करें। तो देखिए, ये आपका गूगल डॉट कॉम खुला हुआ है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं गोडेडी, जो आपने नाम भी सुना होगा, गोडेडी के नाम से वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, गोडेडी डॉट कॉम के नाम से है। यहाँ पे गोडेडी डॉट कॉम जो आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे गोडेडी डॉट कॉम के नाम से लिंक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जो मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो होम पेज है स्क्रीन कर पर सामने आ जाएगा। देखिए आ गया एक्चुअली आपके सामने, स्क्रीन के सामने। तो ये कह रहा है कि 99 रुपीज़ में डॉट कॉम वेबसाइट बुक करिए। देखिए ये सब फर्जी है, ये मतलब 99 रुपीज़ का केवल यहाँ पे स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन कर दी तो 99 रुपीज़ में कोई भी आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, हम बाद में एक बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सर्च करिए अपना डोमेन नेम कि किस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो डोमेन नेम आप यहाँ पे सर्च करें। जैसे मान लीजिए मेरे को एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम है ecoofficecom, बिल्कुल, और मैं इसको सर्च करता हूँ कि मेरे को ecoofficecom के नाम से डोमेन नेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहले जिस नाम से आप वेबसाइट चाहते हैं उस नाम को यानी उस डोमेन नेम को आप सर्च करें कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखिए हमने सर्च किया ecoofficecom इज टेकन, ecoofficecom इज टेकन, यानी कि ये हमें नहीं मिल सकता, ये किसी ने ले रखा ऑलरेडी पहले से। बाकी इसके साथ में सजेशन दे रखा है, अगर आपको इस नाम से अगर चाहिए तो आप यहाँ पे बुक करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो अब किसी दूसरे नाम से सर्च करते हैं यहाँ पे। japocity.com सर्च, japocity.com इज टेकन, ये भी ऑलरेडी से पहले से किसी ने बुक करा रखा है, यानी उसका पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। चलो हम दूसरा सर्च करते हैं यहाँ पे, myschool.com सर्च कर। चलिए सर्च करते हैं, सॉरी, myschool.com इज ओनली अवेलेबल एट ऑक्शन। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो को ध्यान से देखा हुआ कि लोग डोमेन नेम बुक करा के मिलियंस ऑफ पैसा कैसे कमाते हैं, यानी कि myschool.com एक डोमेन नेम है किसी ने ऑलरेडी पहले से बुक करा रखा, पर इसको अभी कहीं पे भी वेबसाइट के साथ में इसको होस्ट नहीं कर रखा है, यानी उसने बुक करा के उसने ऑक्शन पे रख दिया, यानी कि वो बेचना चाहता है इसको, इसलिए उसने ऑक्शन पे रख दिया। यानी तो ये अवेलेबल तो है पर ये ऑक्शन पे है, यानी हमें हो सकता है ऊंची प्राइस पे मिलेगा। ओके, दूसरा सर्च करते हैं, myecoofficecom, yes your domain name is available। ये कह रहा है कि myecoofficecom ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप परचेज करना चाहते हैं क्या। देखिए यहां देखो लिखा हुआ है 99 रुपीज, और नीचे लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट ईयर प्राइस 19, एडिशनल ईयर्स रेस्ट 955। चलो सेलेक्ट करते हैं, इसको परचेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया है और इसको हम बाय करने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू कार्ट, शॉपिंग कार्ट में चलते हैं,
क्योंकि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और हम इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू, शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करें। जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पेज आपके सामने होगा, वो आपसे कंफर्म करेगा कि आज यानी आप जो डोमेन नेम बुक कराना चाहते हो तो आप पहले से इस साइट पे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हूँ, इसलिए मेरे से नहीं पूछा गया कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। मैंने पहले से मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एक्चुअली यूज़र आईडी पासवर्ड ले रखा है, इसलिए यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, तो इसने मेरे से नहीं पूछा कि आप यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसके बाद में ये पैनल ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल ये अमाउंट आ रहा है मेरा, कि ये अमाउंट आपको देना होगा, और 1 ईयर के लिए चाहिए, 2 ईयर के लिए चाहिए, यहाँ पे जितने ईयर्स के आपको डोमेन बुक कराना वो यहाँ पे क्लिक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करता है जितने ईयर के लिए चाहिए आपको यहाँ पे, और नेक्स्ट प्रोसेस टू चेकआउट। देखिए पेज खुल रहा है आपके सामने, और नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ बिलिंग इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप डोमेन परचेज करें तो उसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है आपके सामने, वो सारी चीज़ है। और यहाँ पे टू कंप्लीट योर ऑर्डर प्लीज एंटर द प्रैक्टिस स्क्रीन ब्लो, जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे कोड डाल दीजिए। यहाँ पे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे वो सारी डिटेल आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्लेस योर ऑर्डर, और ये आपसे मेथड पूछ रहा है कि आप जो पेमेंट देंगे वो कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर पूछ रहा है, सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, नेम ऑफ कार्ड पूछ रहा है, और एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, वो सारी चीज़ आपसे पूछ रहा है। जैसे भी आप पेमेंट देना चाहो वो यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह डालना होगा कंप्लीटली, और जब तक आप यहाँ पे डिटेल नहीं डालेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह डालना है, जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स है, और इसके बाद में कार्ड की डिटेल डालने के बाद में नेक्स्ट जो पेमेंट ऑप्शन आएगा आपके पास में उस पर आपके ओके कर देना है। बहुत सिंपल है, जिस तरह से और अदर जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, आखिर ये मेरे को डोमेन है वैसे हाल फिलहाल बुक नहीं करवाना, इसलिए अदरवाइज मेरे को बुक कराना तो कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड डालता, कार्ड नेम ऑन कार्ड और उसका एक्सपायरी डेट और वो डालता, और ये ऑटोमेटिक जो मैं नेक्स्ट क्लिक करता तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट प्रोसेस पेमेंट का आ जाता, और जो मैं यहाँ से सबमिट करता तो मेरी बैंक से जो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था उससे पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ से ऑटोमेटिक जो godaddy.com है इनके पास ट्रांसफ़र हो जाता, और एक मेरे पास कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा कि ठीक है आपका अकाउंट जो myecooffice.com आपने जो बुक कराया था वो सारा डिटेल हमारे पास आ गया है, आपका पेमेंट आ गया है, और वो आप लाइबल हैं आप अपना जो डोमेन नेम है उसको एक्वायर करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना डोमेन नेम बुक करा सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वेबसाइट्स को कैसे होस्ट किया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल वगैरह बताऊंगा। तो कंटिन्यू वॉच करिए मेरे वीडियोज़ को, अगर अच्छा लगा, कुछ आपको जानने के लिए मिला, कुछ सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। ओके।